हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? आप सब लोग, मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूं ये मैनीक्वीन का फेस का रिव्यू। और इसका रिव्यू करने के लिए मैं खुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूं। तो क्योंकि मेरे को मेकअप सीखने का शौक था, तो इसीलिए मैंने ये परचेज़ किया है। मैंने ऑनलाइन परचेज किया और मैं खुद इसको ट्राई करने वाली हूँ, खुद इस पर मेकअप करने वाली हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं करने के लिए। सो बाकी सारी डिटेल की कितने में आया, कहाँ से मैंने परचेज़ किया, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, यहाँ पे मैं अनबॉक्स कर रही हूँ इसको, इस मेकअप डमी को। तो ये मैंने मेकअप सीखने के लिए ही परचेज़ किया है और ये मैंने ऑनलाइन मीशो से परचेज़ किया है, जिसका प्राइस 400 के आसपास था। और ये जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया था, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम थी, रबड़ का ये है और इसको आराम से फेस वॉश इसका कर सकते हैं, मेकअप क्लिनजर से इसको साफ कर सकते हैं, यहाँ पर आराम से लिखा हुआ है। अब चलो इसको ट्राई करते हैं इसके फेस पर मेकअप करके। तो सबसे पहले मैं इसका ना फेस क्लीन कर दूंगी एक वेट क्लॉथ से। अब क्योंकि ना मैं घर पे नहीं हूँ ना, तो मैं बहुत सारा सामान लाना भूल चुकी हूँ और हो सकता है कि मैं इसको भूत भी बना दूँ, क्योंकि मेरे को अभी मेकअप आता नहीं है। बट हाँ, चलो सीख, अभी मैं सीख रही हूँ ना, तो प्लीज़ मेरे को जज मत करना, ठीक है? अभी सूख चुका है, तो अब मैं इसमें लगाऊंगी ये प्राइमर, जिसमें है नहीं बचा हुआ, पर मेरे पास आ गया आ गया आ गया। ज़्यादा ही आ गया, ज़रूरत तो नहीं है इसमें, पर जब मेकअप करना है तो ढंग से ही करो ना। क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ ना, तो मैं सामान लाना भूल चुकी हूँ, तो मैंने ना ऐसे एक इन दोनों को मिला के ये ना बेस बना लिया है, मतलब ये फाउंडेशन का बेस मैंने बना लिया। अब इसी को इसके फेस पे अप्लाई करूँगी एज अ फाउंडेशन। इसकी फेस में तो कुछ पता भी नहीं चल रहा कि कुछ लगा रहे होंगे। हो सकता है मैं इसको भूत भी बना दूं, तो प्लीज डोंट माइंड। देन अब मैं इसके अपनी अंडर आईज पे लगाऊंगी कंसीलर। इसने कलर ही बिल्कुल अलग ही लग रहा है। मेरे को ना वैसे में थोड़ा कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो अब मैं डायरेक्ट इसको अपने साथ ऐसे करके मेकअप कर लूँगी इस पर ऐसे ऐसे करके, तो उसके बाद मैं आपको करके इसको मिलती हूँ, ठीक है? आपसे मैं लगी हुई हूँ ना, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ना इसका सत्यानाश करूँगी। तो अभी मैंने इसको कॉन्टोर किया है, इस साइड से कर दिया है ब्लेंड
फाइनली मैंने ये कट तो दिया है और करने के बारे में ऐसी लग रही है, अभी ना आपको क्लोज अप करके बताऊंगी। और ना मैं बहुत ज़्यादा भी कर रही हूँ इसका मेकअप करने में, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं हो रहा था। फिर स्किन में मतलब जैसे लगा रही हूँ ना, तो वो प्रोडक्ट उस पर गीला गीला सा ही रह रहा था, सूख नहीं रहा था, उसके बाद मेकअप करने में दिक्कत हो रही थी। हाँ, अभी धीरे धीरे करके इम्प्रूव करूँगी कहाँ पर गलती हो रही है, और इस पर ही मैं अपना मेकअप करना सीखूँगी। सो अभी मैं आपको क्लोजअप करके बताती हूँ। तो क्लोजअप करके आपने देख लिया होगा और देख ली होंगी बहुत सारी गलतियाँ, बट इन्हीं गलतियों से मैं अब धीरे धीरे करके सीखूंगी। और बस आज की वीडियो में यही शेयर करने वाली थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।